चलिए, गुड इवनिंग सभी को। मैं विद्यासागर सिंह, ठीक है सर, आज नहीं है किसी कारणवश से, तो उनके जगह पे हम ले रहे हैं क्लास। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। हम लोगों का क्वेश्चन है सूत्री विभाजन। ठीक है, सूत्री विभाजन को हम लोग बोलते हैं बाबू, अंग्रेजी तो हो गया इसका माइटोसिस, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर बात करें माइटोसिस तो ये सूत्री विभाजन को हम लोग सम सूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, सूत्री विभाजन को सम सूत्री विभाजन भी कहते हैं, और इस विभाजन का खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था 1882 में, 1882 ईस्वी में। अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या है कि सम सूत्री विभाजन के दौरान कौन सी अवस्था आखिर में आती है। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन कोशिका से रिलेटेड है, कोशिका विभाजन में इसको पढ़ा जाता है बाबू। तो समसूत्री विभाजन जो होता है, इसकी पहली अवस्था होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। पहली अवस्था को बोलते हैं प्रोफेज, दूसरी अवस्था को बोलते हैं बाबू मेटाफेज, और तीसरी अवस्था को हम लोग बोलते हैं एनोफेज, और चौथा अवस्था को बोलते हैं हम लोग टेलोफेज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ आंसर कि चौथी अवस्था, ये जो टेलोफेज है, यही क्या होगी, अंतिम अवस्था होगी। क्लियर? अब देखिए बाबू, यहां से अगर हम लोग और क्वेश्चन निकालना चाहें तो सेल डिवीजन से पहले यानी प्रोफेज के पहले भी एक फेज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। प्रोफेज से पहले भी एक फेज रहता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज। क्लियर? चलिए, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, यानी कोशिका विभाजन, यानी विभाजन से पहले जो कोशिका रहती है वो इंटरफेज में रहती है, इंटरफेज को हम लोग बोलते हैं अंतरा अवस्था। क्लियर? आगे एक और क्वेश्चन मिलेगा इसमें, उसको हम लोग देखेंगे तो वहां पे इंटरफेज की चर्चा करेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन को बाबू। ये हम लोगों का एक डायग्राम भी है कि देखो, कोशिका पहले इंटरफेज में है, इंटरफेज के बाद प्रोफेज, ठीक है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। टेलोफेज में जाकर के दो कोशिकाएं बन जाती है। अच्छा, बाकी लोग भी कमेंट भी कर रहे हैं आप लोग, चलिए वेरी गुड। चलिए, बाकी का भी आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है, आंसर दीजिए आप लोग। लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है, लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाई, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? मनोज कुमार ने आंसर दिया, ईशानी ईशानी ने भी आंसर दिया, ममता कुमारी ने भी आंसर दिया, केसरी, रीचा, राधे श्याम राठौर, कुणाल। चलिए अब देख लेते हैं हम क्या आंसर है बाबू। लाइसोसोम की उत्पत्ति जो होती है बाबू, ये होती है गॉल्जी बॉडी से। ठीक है, डी आंसर। तो जितने लोग डी आंसर दिए थे सबका आंसर क्या है, सही है। अब यहां से कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये पता होगा। सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहेंगे हम लोग? लाइसोसोम को कहेंगे। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्लियर? और ये कोशिका कला को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहां से एक और पॉइंट याद रख सकते हैं हम लोग कि गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस कहेंगे इसे हम लोग। ढेर सारी पॉइंट है, जितना चाहेंगे उतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे लिखेंगे, चीजें धीरे धीरे याद होती जाएगी, जितना बार सुनेंगे उतना याद होगा। तो इसलिए लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे? गोल्जी बॉडी से होती है। गोल्जी बॉडी की भी उत्पत्ति पूछे किससे, तो आप लोग एक ऑर्गन का नाम जो जानते होंगे, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये कन्वर्ट होता है गोल्जी बॉडी में, और गोल्जी बॉडी कन्वर्ट होता है लाइसोसोम में। तो ये भी एक क्वेश्चन हम लोगों का बन सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए आप लोग। ये सेल का फोटो है, इसमें देख सकते हैं हम लोग लाइसोसोम यहां पर है, ठीक है। लाइसोसोम का मेनली कोशिका में काम होता है क्या?
इंट्रासेलुलर अंतः कोशिकीय पाचन करना, ठीक है। फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग बाबू, आंसर दे रहे हैं बी कोई दे रहा है, कोई सी दे रहा है, रजनी मुरारी, सोनम कुमारी, विकास। चलिए बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। हाँ एक और काम कीजिए आप लोग, इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा पहुंचे, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ हम लोग चीजों को सीख भी रहे हैं, ठीक है। केवल क्वेश्चन का आंसर करने से कोई खास फायदा नहीं है, वो भी साइंस में, ठीक है, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन का एरिया बढ़ते जाता है, तो ये जानना जरूरी है हम लोगों का कि क्वेश्चन के अगल बगल से भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बाबू, अगर ये नहीं रहता सी नंबर, सी नंबर आंसर नहीं रहता तो आंसर हम लोगों का बी नंबर हो जाता, लेकिन सी आकर के आंसर इसका सी होगा। अभी हमने चर्चा किया आप लोगों से कि सेल डिवीजन के पहले, कोशिका विभाजन के पहले कोशिका रहती है इंटरफेज में, कोशिका रहती है किसमें, इंटरफेज में। और इस इंटरफेज के तीन फेज होते हैं, जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज। जीवन फेज, एस फेज, जी टू फेज। इस बार रेलवे में कम से कम ये क्वेश्चन 27-28 बार पूछा गया होगा कि इंटरफेज में कितनी अवस्थाएं होती है, तो इंटर फेज में तीन अवस्थाएं होती है, जीवन फेज, एस फेज, जी टू फेज। अब यह है कि जीवन जो होता है इसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी जीवन फेज में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, और यही सेम काम जी टू में भी होता है। लेकिन एस फेज में क्या होता है बाबू, तो एस फेज में डीएनए का रिप्लीकेशन होता है या डीएनए का संश्लेषण होता है। तो याद रखेंगे कि सेल डिवीजन से पहले कोशिका इंटर फेज में रहती है, ठीक है, इंटरफेज में रहती है, उसको अंतरा अवस्था कहते हैं। और इंटरफेज के तीन फेज होते हैं, जीवन फेज, एस फेज और जी टू फेज। क्लियर। चलिए इसका आंसर दीजिए, चार नंबर, जीवाणु में उपस्थित कोशिकांग होते हैं। अच्छा शिवम राठौर पूछ रहे हैं सर कहाँ है, सर आज किसी कारणवश नहीं है बाबू, ठीक है। हालांकि हम लोगों का क्लास अल्टरनेट में चलते रहेगा, तो एक दिन सर का रहेगा क्लास, एक दिन मेरा, ताकि साइंस और आर्ट्स दोनों एरिया आप लोगों का कवर होते रहे, ठीक है। आंसर देते जाइए आप लोग, क्या दे रहे हैं आंसर, डी बहुत ज्यादा आंसर आ रहा है आप लोगों का। कुणाल कुमार, आरके निराला, हर्ष, हर्ष का बी ऑप्शन है, विकास कुमार का सी है, ठीक है। चलिए आंसर देते रहिए, डी भी कुछ लोगों का है। चलिए सही आंसर पे चलते हैं, आंसर क्या है, जीवाणु की कोशिका में उपस्थित कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। ये देखो बाबू कि बैक्टीरिया जो है यह क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल ऑर्गन कोशिकांग यानी प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिकांग विकसित नहीं होते हैं। आ कोशिकांग नहीं विकसित होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, राइबोसोम एकलौता ऑर्गन है जो दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हम लोगों का सी नंबर, कि राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है कितनी होती है नहीं है, बल्कि अस्थियों का सही क्रम क्या है।
ये अपने आप में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग सी नंबर, बी नंबर, सी नंबर। चलिए आंसर तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं बच्चे। चलिए इसको शेयर कीजिए आप लोग ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। ठीक है चलिए, और अच्छा लगे क्लास तो कमेंट में एक हार्ट तो भेज सकते हैं। कुणाल राठौर सबका बी आ रहा है जी, इतना फास्ट कमेंट कीजिएगा तो कैसे पढ़ पाएंगे हम। चलिए देखते हैं अब हम लोग, ये तो सबको पता है कि मध्य कर्ण में तीन हड्डी होती है, एक कान में तीन तो दोनों कान मिला के छह, तो ईयर में कितनी हड्डी हो गई, छह हो गई। ये भी पता होगा कि हम लोगों के कान में एक हड्डी पाई जाती है स्टेपिस, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, एक होता है मैलस और एक होता है इनकस। ठीक है, मानव के कान में तीन हड्डियां पाई जाती है, एक को इनकस कहते हैं, एक को माइलस कहते हैं, एक को स्टेपिस कहते हैं, और इसका जो सीरीज होता है वो MIS के फॉर्म में होता है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग फिगर से, देखिए माइलस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, ये कान का बीच वाला हिस्सा है। मनुष्य के दाहिने हाथ में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर छह का आंसर दीजिए आप लोग बाबू तेजी में। चलिए अपलेश कुमार अभी तक हर्ट भी भेज रहे हैं सर आप लोग। चलिए बी आंसर दे रहे हैं अखिलेश कुमार। ईशानी, ईशानी का सी है, सोनम कुमारी का 34 लिख के नहीं देना है बाबू। MD साबिर ए आंसर है, शिवम राठौर 32। अच्छा मनी नायक बेस्ट समझते हैं, नहीं समझ में आ रहा है बाबू क्या लिखे हो। अजीत यादव सी आंसर दे रहे हैं, जितेंद्र बी दे रहे हैं। चलिए ममता कुमारी, जितेंद्र कुमार, केसरी, सरोज कुमार, ललिता कुमारी। ठीक है, मौसम कुमार भी हैं जी। चलिए आप लोगों ने जो आंसर दिया उसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और मिलते जाएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, तो आप लोग बने रहिए। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या होती है, तो मनुष्य का पहले तो हाथ देख लेते हैं बाबू, यही ना हाथ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हाथ है। कलर अब देखो, यहां पे जो हड्डी है इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस, तो ह्यूमरस एक होता है बाबू। यहां पे जो हड्डी है, दो हड्डी यहां पे, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना, तो ये दोनों एक एक होता है। फिर हम लोग का कार्पल्स, ये कलाई, तो कार्पल्स में जो हड्डी होती है ये होती है आठ। मेटा कार्पल्स जिसको हथेली कहते हैं इसमें होता है पांच, और फेलेंजिस जिसको अंगुली कहते हैं इसमें रहता है 14। तो 14 और 5 19, और 19 और 8 27, 29 और 1 30, यानी मनुष्य के हाथ में 30 हड्डियां पाई जाती है। यहां वाले बोन्स को बोलेंगे ह्यूमरस, यहां पे एक रेडियस है, एक अल्ना है, ये कार्पल्स है, ये मेटा कार्पल्स है, और अंगुली में जो है वो फेलेंजिस है। तो चाहे दाहिना हाथ हो या बायां हाथ हो बाबू, हड्डी उतना ही रहता है, 30 30 इसमें, 30 इसमें, 60 पैर में भी 60 होता है। क्लियर, बाकी कपाल में पता ही है 8 होता है, चेहरा में 14 होता है, गर्दन में 7 होता है, ठीक है, पसली में 24 होता है। तो ये सब क्वेश्चन जिस दिन मिलेगा डिस्कस होते रहेगा हम लोगों का। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले किसका उपयोग करता है, आंसर दीजिए बाबू। राहुल झा ने 30 आंसर दिया था, अच्छा चलिए। अरे बोल रही है सर, योर लेफ्ट हैंड में कितना होता है, लेफ्ट या राइट बाबू, सेम होता है। चलिए इसका आंसर ईशानी कुमारी दी है, ललिता कुमारी, इसका आंसर आप लोग बी दे रहे हैं। चलिए बी तो बहुत आंसर आ रहा है, चलिए लेकिन हर्ष वर्धन ने ए आंसर दिया है, विवेक कुमार भी ए दिए हैं, जितेंद्र कुमार बी, ममता कुमारी बी, ठीक है, सूरज कुमार बी, चलिए मनीष कुमार का ए है, ए तो बहुत लिख दिया मनीष कुमार, ज्यादा लिखने से सही होगा जी।
चलिए, बहुत लोगों का ए आंसर है, बहुत लोगों का बी भी है, बहुत लोगों का सी भी है। चलिए, तो बेस्ट आंसर है बाबू ग्लाइकोजन, बेस्ट आंसर है ग्लाइकोजन। तो जितने लोगों का बी आंसर था सभी लोग सही है, बी वाले केवल ग्लाइकोजन। देखिए, अब जैसे प्लांट है, कोई भी पौधा है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वह क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। और ग्लूकोज जब ज्यादा होता है तो वह स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेगा। लेकिन जब एनिमल यानी मनुष्य की बात करेंगे, हालांकि मनुष्य के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग, दुनिया में जितने एनिमल हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो एनिमल जब कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खा लेता है तो ग्लाइकोजन उसके लीवर में जमा हो जाता है, और अगला दिन जब भूख लगता है या जब हम लोग खाना नहीं खाए रहेंगे, भूख लगेगा, तो ये ग्लाइकोजन हम लोगों को एनर्जी देता है। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है बाबू कि हम लोगों के लीवर में एनर्जी किस रूप में जमा रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन है क्या बाबू? तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। जब हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड होता है ग्लाइकोजन, जो मनुष्य के लीवर में या हम लोगों का जो मसल्स है इसमें भी फैट के रूप में जमा रहता है ग्लाइकोजन, और भूख लगने पर हम लोगों का बॉडी सबसे पहले ग्लाइकोजन को यूज करता है। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये अपने जमाने का क्वेश्चन अच्छा था लेकिन अभी नॉर्मल हो गया है। निम्न में से कौन सी रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है? क्वेश्चन का आंसर देंगे बाबू आप लोग, क्वेश्चन का आंसर देंगे, कौन सा ब्लड वेसल्स यूरिया अधिक मात्रा में लेकर जाता है? ईशानी बी आंसर, अमरेंद्र सी आंसर, मनी नायक। अच्छा, समझाते हैं सर, बिल्कुल। हम बोलते हैं कि क्वेश्चन जब तक हम लोग नहीं समझेंगे वो मेरे काम का नहीं है, केवल आंसर देने से कोई फायदा नहीं है बाबू। मौसम कुमार सी आंसर, विवेक बी आंसर, राहुल जा भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, रजनी कुमारी गुड मॉर्निंग सर बोल रही हैं। अच्छा, अभी गुड मॉर्निंग चल रहा है जी, गुड इवनिंग। सूरज कुमार सी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी का नाम छूट जाएगा तो बुरा मत मानिएगा आप लोग। ठीक है, हेमंत कुमार सी आंसर, जितेंद्र कुमार। चलिए, अब मेरा भी सुन लीजिए। देखिए, हम बताना चाहते हैं बाबू कि जैसे पढ़ाई का तरीका अलग है, पढ़ते हम लोग अलग तरीके से हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग है। ये जितने क्वेश्चन आप लोगों को मिला है ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने ये क्वेश्चन नहीं बनाया है। ठीक है, तो पढ़ाई उसी डायरेक्शन में होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोगों का बनते जाए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए, विकास निराला बी आंसर दे रहे हैं, हेमंत कुमार सी आंसर। चलिए, अब देखते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये दोनों एक जैसा है, इसी में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन बहुत लोगों ने आंसर यहां पर बी दिया है। तो देखिए, हम बता देना चाहते हैं कि बी आंसर जो होता है ये लीवर से गॉल ब्लैडर में कनेक्ट रहता है, यानी यह लीवर से गॉल ब्लैडर में कनेक्ट है। तो लीवर से गॉल ब्लैडर में यूरिया जाएगा? एकदम नहीं जाएगा। और ये जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर धमनी, तो ये यूरिया, ये लीवर में यूरिया लेके आ, ये लीवर में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आता है। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग कि जिसके नाम में आर्टरी लग जाए वो प्योर ब्लड को लेके घूमता है। तो लीवर में जो ब्लड आता है जिस पाइप से, वो है हम लोगों का यकृत धमनी। अब है रीनल भेन, तो रीनल वेन जो है यह किडनी से ब्लड बाहर लेके जाता है। ठीक है, तो आंसर समझ आ गया होगा। ठीक है, कि क्या होगा आंसर? तो यकृत सीरा, इससे हम लोगों का यूरिया वाला ब्लड गुजरेगा, जिसमें यूरिया की मात्रा अधिक रहेगी, क्योंकि यह है गॉल ब्लैडर से, पित्त की थैली से, वहां यूरिया का कोई रिलेशन नहीं। यह है रीनल वेन, तो रीनल किडनी से रिलेटेड, और यह भी रीनल वेन किडनी से बाहर लेके जाता है, किडनी से प्योर ब्लड को, शरीर का सबसे प्योर ब्लड इसी में बहता है, रीनल वेन में। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। ये लीवर का हम लोगों का फोटो है, ये हिपैटिक आर्टरी यहां पर है, तो ये सब हम लोग देख सकते हैं लीवर में। लीवर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे।
यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए, प्लीहा को हम लोग बोलते हैं बाबू स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा को बोलते हैं स्प्लीन। आंसर दीजिए, यदि प्लीहा को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? डी नंबर आंसर। ईशानी ने डी आंसर दिया, सुमित कुमार ने बी आंसर दिया, ठीक है, राहुल झा ने सी आंसर दिया, विपुल ने भी डी दिया, पंकज कुमार ने सी दिया, सोनम कुमारी सी, केसरी बी, बबीता कुमारी सी, रोशन बी, योगेंद्रा पंडित, सर 3D पिक्चर यूज करते तो बहुत अच्छा दिखेगा। अच्छा ये बात है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से 3D रहेगा। ममता कुमारी डी आंसर, संजीव कुमार ए आंसर, अमरेंद्र कुमार सी, कुंदन कुमार ए, रितेश कुमार बी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या आंसर होगा। नहीं, पहले तो ये जानना होगा बाबू कि हम लोगों के क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लीहा स्प्लीन अगर निकाल दिया जाए तो पटिकाणु, पटिकाणु का मतलब होता है बाबू प्लेटलेट्स, ठीक है। तो पहले तो ये जान लेंगे हम लोग कि जो स्प्लीन है इसका रिलेशन RBC से होता है, WBC से होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका रिलेशन लिम्फोसाइट से भी होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब RBC 120 दिन पूरा कर लेता है तो स्प्लीन में जाकर मर जाता है, ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ते होंगे कि RBC का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को, ठीक है। लेकिन फिर आप लोग इसी को पढ़ते हैं RBC का ब्लड बैंक, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो आंसर वहां भी देते हैं आप लोग प्लीहा। फिर पूछता है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, तो वहां भी आंसर प्लीहा होता है, ठीक है। तो RBC का प्लेटलेट से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसलिए प्लेटलेट्स क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। स्प्लीन का प्लेटलेट से कोई रिलेशन नहीं है तो इसलिए ये रहे या न रहे उससे प्लेटलेट्स पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब ये एक बात यहां से जान लेते हैं हम लोग कि RBC जब जा करके मरता है प्लीहा में तो उस समय इसको कब्रिस्तान बोलते हैं। लेकिन जब हम लोगों के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे हम लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उस समय हम लोगों के बॉडी को ब्लड भी ज्यादा चाहिए। तो ब्लड अगर ज्यादा नहीं रहेगा हम लोगों के बॉडी में तो स्प्लीन जो है कुछ RBC को बचा के रखता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो RBC मरने के कगार पे हो गया प्लीहा में मर गया, लेकिन RBC उसमें से कुछ का मरम्मत करके रखे रहता है, प्लीहा RBC का मरम्मत करके रख लेता है, और जब जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ता है तो फिर ये दे देता है बॉडी को। तो एक टाइम में ये ब्लड बैंक है और एक टाइम में ये कब्रिस्तान है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये स्प्लीन है बाबू। चलिए, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन का संवहन होता है? आंसर दीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। चलिए, राहुल कुमार ने सी आंसर दिया, ममता कुमारी ने बी, रोशन कुमार भी बी, सोनम बी, सुस्मित बी, ईशानी भी सी आंसर, पंकज कुमार डी। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, आंसर देने में डरो मत, ठीक है, ये सोच के आंसर मत दो कि गलत हो जाएगा, जब तक गलत होगा नहीं सही सीखोगे कैसे। मनी नायक ने बोला है बेस्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो है बाबू बेस्ट, ठीक है। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सीख के जाएं, यानी 20 क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आए तो ही अच्छा है। ललिता कुमारी का बी आंसर है, अमरेंद्र कुमार कहाँ से ऐसा क्वेश्चन लाए हैं सर, परीक्षा में से बाबू, परीक्षा में ही पूछा गया है, रियली लेवल बहुत अच्छा है सर, हाँ लेवल यही रहेगा बाबू, एक दिन बीच करके अल्टरनेट में साइंस का रहेगा, लेवल यही रहेगा, तभी तो पता चले कि पढ़े कितना हम लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग वही पढ़े जो समझ में आया, ठीक है, ऐसा भी होता है कि हम लोग वही पढ़ाई पसंद करते हैं जो समझ में आता है, लेकिन एग्जाम सोचता है नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा जी, ठीक है, वो जो नहीं समझ में आता है वही पूछता है।
सर दरोगा मेंस के लिए साइंस कहाँ से किया जाए, लूसेंट या स्पीडी से हो जाएगा, इसके बारे में हम कोई सलाह नहीं दे सकते बाबू। ठीक है, लूसेंट स्पीडी का सलाह हम नहीं देंगे। ठीक है, क्वेश्चन करो, हो जाएगा, अभी दरोगा के एग्जाम में टाइम है। हम वादा करते हैं कि जितना क्वेश्चन साइंस से पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं आएगा, बस सॉल्यूशन ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन आए कि नहीं एग्जाम में ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो बताएंगे वो एकदम आना तय है, इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, और ज्यादा समस्या है एग्जाम में, अभी ज्यादा देरी है, तो इसके लिए हम लोग कल 3 PM यही ना जी, 3 बजे शाम में हम लोगों का बायोलॉजी क्लास शुरू हो रहा है, यूट्यूब पे ही रहेगा। ठीक है, तो 3 PM में कल से बायोलॉजी शुरू हो रहा है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कीजिए, देखिए क्लास को कि लेवल कैसा रह रहा है पढ़ाई का। ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एग्जाम लेवल बढ़ा रहा है या पढ़ाई हम लोगों का वही रह रहा है, तो उस अकॉर्डिंग से हम लोग क्लास शुरू करेंगे कल से। क्वेश्चन को देखते हैं, अमरेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि थैंक्स सर, आज नया सीख रहे हैं हम लोग कुछ। हाँ, बहुत अच्छा है। कृष्णा शंकर चौबे बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है सर। नहीं, हार्ड नहीं है जी, जब भी क्वेश्चन बनाओ, माउंटेन ड्यू वाला प्रचार याद है ना, डर के आगे जीत है, जितना डरोगे उसके आगे ही जीत है। चलिए हम लोग सीखते हैं, 1 हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 गो लोहा लेके घूमता है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 आयरन एटम को लेकर के घूमता है, ये चारों आयरन एकेगो ऑक्सीजन को लेके घूमते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स अपने साथ 4 ऑक्सीजन को लेके घूमता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन यहां पे नहीं बनेगा इससे। अब यहां पे क्वेश्चन है कि 1 ग्राम, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अपने साथ 0.13 ml ऑक्सीजन लेकर के घूमता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन लेके घूमता है। क्लियर? अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा 2014 में चंडीगढ़ पीसीएस में, अब इसको रट के बचा गया एग्जाम देने, आ सेम क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा, आज जब पूछा तो वहां पे क्या कर दिया कि 100 ml हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को लेके जाएगा। बनेगा क्वेश्चन यहां से? नहीं बनेगा। तो आप देखो, 100 ml हीमोग्लोबिन, तो 100 ml हीमोग्लोबिन में 15 ग्राम, मतलब 100 ml ब्लड में, ऐसे क्वेश्चन था कि 100 ml ब्लड कितना लेके जाएगा, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एक हेल्दी मनुष्य के 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, तो 1 ग्राम इतना लेके जा रहा है, तो 15 ग्राम कितना लेके जाएगा नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लवण जो रक्त का थक्का जमाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बताओ बाबू, यह भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है अपने आप में, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। और एक आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है, आरके निरारा बोल रहे हैं कि मजा आ रहा है सर। हाँ जी मजा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बने तब। विकास आनंद, अच्छा विश्वा आनंद सी आंसर दे रहे हैं, हर्षवर्धन डी आंसर दे रहे हैं, रजनी कुमारी डी आंसर दे रही है, ठीक है, बी भी आंसर दे रहे हैं, आरके निराला बी आंसर है, अमित कुमार डी आंसर, पूजा यादव डी आंसर, चलिए राहुल प्रसाद, अच्छा समझाते हैं सर आप। हाँ जी अच्छा समझाते हैं, इसमें नो डाउट, ठीक है, समझेंगे हम लोग, वही काम करेगा बाबू एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप लोगों ने जितना आंसर दिया, अब हम चेक करते हैं कि कितने लोगों का आंसर सही है। तो वैसे लोग जिन्होंने आंसर डी दिया है वो महान है, ठीक है, वैसे लोग जिन्होंने आंसर डी दिया है वो महान है। महान इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा टफ था, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बस ये है कि आपने पढ़ा कि नहीं, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है बाबू ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे, रक्त का थक्का जमाने की बात करेंगे, तो थक्का बनाने के लिए तो बाबू विटामिन के, जो कि दुनिया का हर इंसान जानता है चाहे पढ़े या ना पढ़े, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लेटलेट्स का भी यही काम है, रक्त का थक्का जमाना,
फाइब्रिन का भी वही काम है रक्त का थक्का जमाना, थ्रोम्बिन का भी वही काम है रक्त का थक्का जमाना, कैल्शियम का भी वही काम है रक्त का थक्का जमाना। तो बाबू ये सब मिलकर रक्त का थक्का जमाते हैं। बस क्वेश्चन पूछे जिस अनुसार उसके अनुसार आंसर होगा। तो यहां से पूछा है कौन सा साल्ट, तो विटामिन तो दे नहीं सकते या विटामिन है भी नहीं, ठीक है, और ये सब जो है प्रोटीन है तो ये आंसर होंगे नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा कैल्शियम। यानी कैल्शियम जो है हम लोगों के ब्लड के क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण होता है, और ये सब हम लोगों के ब्लड में है, लेकिन फिर भी ब्लड हम लोगों का जमता नहीं है, क्योंकि ये सब का जो फादर है, बाप है, वो है हिपैरिन। जब तक हिपैरिन रहेगा किसी को काम करने नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोगों के शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है बाबू, तो आंसर क्या देंगे हिपैरिन। और एक जानवर का नाम जानते होंगे आप लोग, LECH, लीच बराबर जोंक, जानते हैं ना इसका नाम। जोंक जब ब्लड को सोखता है, सोक करता है, तो उस समय अपने लार से निकालता है एक केमिकल जिसका नाम होता है बाबू हीरुडीन, ठीक है, हीरुडीन। ये नाम नेचुरल आदमी है, ठीक है, ब्लड निकाले, ब्लड कहीं जम ना जाए तो सोखने में दिक्कत होगा, इसलिए ये नेचुरल हीरुडीन लेके चलता है, लार से निकालते रहता है कि जमेगा ब्लड नहीं, ताकि सोखने में समस्या ना हो, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, हीरुडीन ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफर कोशिकाएं होती है, बताइए बाबू, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए आंसर बताइए, कुफर सेल कहां रहता है, आंसर सी दिए हैं एमएन रॉय। एमएन रॉय नाम तो काफी ऐतिहासिक नाम है जी, हो रजनी कुमारी भी आंसर दी है सी, विशाल आनंद भी सी दिए हैं, रैना सिन्हा भी सी दिए हैं, रोशन कुमार भी बी दिए हैं, प्रज्ञा कुमारी सी दी है, ठीक है, पंकज कुमार सी दिए हैं, कन्हैया कुमार सी, रीचा सिंह सी, चलिए राहुल कुमार भी सी हैं। चलिए आंसर आप लोग कम दे रहे हैं, हैं इतने लोग आंसर दे रहे हैं 10-15 लोग, बोलते हैं कि आंसर दो बाबू, अभी यहां डरेंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। विजडम नॉलेज विथ MS, अच्छा आपका आंसर सी है। नवनीत झा का आंसर सी है, चलिए सुनैना कुमारी का आंसर सी है, मुकेश कुमार का भी सी है, चलिए अब मेरा भी सुन लो बाबू, ठीक है। कुफर सेल, कुफर सेल क्या है, यही ना। अब देखिए बाबू यहां से कुछ पॉइंट पहले समझा देते हैं, अपने आप आंसर निकाल लीजिएगा। जो RBC होता है, तो ये आप लोग जानते हैं कि RBC मरता है कहां, स्प्लीन में। पूरा जग जाहिर है कि RBC कब्रिस्तान में मरता है, स्प्लीन में मरता है, सबको पता है, लेकिन ये बात आपको जान के हैरानी होगी, अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, RBC लीवर में भी मरता है, ठीक है। RBC दो जगह मरता है हम लोगों के बॉडी में, स्प्लीन में भी मरता है, लीवर में भी मरता है, स्प्लीन में ज्यादा मरता है, इसलिए इसको कब्रिस्तान कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं लेता है, लेकिन यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो RBC मर गया, कभी आप लोग सोचे होंगे कि मान लीजिए RBC स्प्लीन में जाकर के लीवर में जाके मर गया, तो मरे हुए RBC का डेड बॉडी भी तो होगा, कहां जा रहा होगा, मरने के बाद RBC का क्या हो गया। तो मरने के बाद RBC को स्प्लीन में एक कोशिका रहती है, जिसको बोलते हैं बाबू हम लोग माइक्रोफेगी, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफेगी। माइक्रोफेगी सेल स्प्लीन में पाया जाता है और कुफर सेल लीवर में पाया जाता है, कुफर सेल लीवर में और माइक्रोफेगी सेल स्प्लीन में, और ये दोनों कोशिकाएं कहलाती है भक्षी कोशिका, फैगोसाइटिक सेल, भक्षी कोशिका। यानी स्प्लीन में डेड RBC को खाने के लिए माइक्रोफेगी, और स्प्लीन में ये लीवर में खाने के लिए कुफर सेल। लीवर में मरेगा तो कुफर सेल खाएगा, स्प्लीन में मरेगा तो माइक्रोफेगी खाएगा, और ये दोनों को भक्षी कोशिका बोलते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा यकृत की फैगोसाइटिक कोशिका है, लीवर में पाई जाने वाली फैगोसाइटिक सेल है। क्लियर, दोनों इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफेगी स्प्लीन, कुफर
लीवर। आंसर दीजिए, क्वेश्चन आप ही लोग पढ़िए। एरेथ्रो ब्लास्टोसिस फिटाइलिस का कारण क्या है? एरेथ्रो ब्लास्टोसिस फिटाइलिस का कारण क्या है? हम आंसर सही दिए थे सर, राहुल कुमार, बहुत अच्छा। विनायक, अच्छा ये विक्की आंसू क्या बोल रहे हैं कि विद्यानंद सर यू आर गुड टीचर। बाबू मेरा नाम इतना जल्दी बदल देगा जी, नाम है विद्यासागर सिंह तो तुम विद्यानंद बना दिया। कुणाल कुमार, समझने का टोन आपका बहुत अच्छा है, समझाने का, ओ बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरा हर विद्यार्थी मेरी बातों को समझे, और जितना आप लोग समझ रहे हैं उतना शेयर करते तो आपसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा यहां दिखते। आप लोग मेरे साथ चीट कर रहे हैं लग रहा है। अजीत आनंद बोल रहे हैं मस्त स्टाइल है सर, हाँ स्टाइल मस्त। मानी नायक, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाइए सर। फिर वही बात, अपने आप को कमजोर मत बनाओ बाबू। इंद्रदीत यादव बोल रहे हैं कि नाइस सर, जैसे बोल रहे हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आ जाएं। अब मान लो कि हमने क्वेश्चन लेके आया कोशिका से, तो हर क्वेश्चन का आंसर ही होगा कोशिका, तो फिर समझेंगे क्या? समझेंगे कुछ नहीं। क्वेश्चन लाएंगे ब्लड से, ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन कंटिन्यू है तो हर आंसर है उसी में से होगा, तो फिर तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही ना देगा उल्टा सीधा, तो ये तरीका सही है समझने के लिए, समझे? टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने का मेरे व्यू से कोई अच्छा फायदा नहीं है। चलिए, मनीष कुमार बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहा है सर, ऐसा कैसे होगा जी। अच्छा, आनंद कुमार बोल रहे हैं कि साउथ का हीरो लग रहे हैं सर आप। साउथ का विलेन लगते हैं हम भाई, हीरो नहीं लगते हैं। ठीक है, हर जगह यही बोलता है कि सर साउथ का हीरो लग रहा है, कोई नहीं बोलता कि साउथ के विलेन लग रहे हैं, विलेन जैसा लगते हैं हम। चलिए, बीकी अंशु बोल रहे हैं कि हम आपसे क्लास किए हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छा कि आप क्लास किए हुए हैं, चलिए अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा। मनी नायक सही बोले सर, अच्छा सही बोले कि विलेन लग रहे हैं, चलो चलिए देखते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कंडीशन क्या है? वैसी कंडीशन, वैसा कंडीशन जिसमें पिता, पिता बोलो, फादर बोलो, बच्चा के लिए यह फादर है, ठीक है, और उसकी मम्मी के लिए यह पति है, दोनों हो सकता है। एग्जाम में कभी कभी पिता लिखता है और पति भी लिखता है, तो ध्यान रखना कि माँ के लिए वो पति है और बेटा के लिए बाप होगा, और ये पत्नी बच्चा के लिए माँ होगी। तो एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटाइलिस है क्या? तो इसमें पिता जो होगा, मिस प्रिंट लग रहा है जी क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं, सही हमको नहीं लग रहा है, कहीं कुछ मिस प्रिंट दिल लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, तो अब देखिए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो बीमारी है इसमें पिता आरएच पॉजिटिव रहता है और माता आरएच निगेटिव रहती है, क्लियर? छूट गया था, आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव, ये बीमारी है कैसा? तो जब ये कंडीशन रहता है तो ऐसी माता केवल एक बच्चे को जन्म दे पाती है, जो पहला बच्चा होगा वो जीवित रहेगा, लेकिन इसके अलावा जितने बच्चे होंगे इस कंडीशन में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये बहुत पहले की बात थी, अब अगर ऐसा किसी के साथ कंडीशन हो रहा है कि पिता पॉजिटिव है माता निगेटिव है, तो ऐसी माँ डिलीवरी के 72 घंटे पहले, डिलीवरी के 72 घंटे पहले एक इंजेक्शन लेना पड़ता है जिसका नाम है एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। अगर किसी कपल्स के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में 72 घंटे पहले इंजेक्शन लगेगा जिसका नाम है एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इस इंजेक्शन का नाम, ठीक है, और ये भी पूछा जाता है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, एक्सोन तथा डेंड्रोइट्स की संधि कहलाती है। चलिए आंसर दीजिए आप लोग।
चलिए वो क्वेश्चन में स्प्रिंट था, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर दे रहे हैं आप लोग, बीकी अंशु डी, रजनी कुमारी डी, चलिए रैना बी, सुमेध डी। अच्छा बी और डी आंसर आप लोग बहुत लोग दे रहे हैं। मैथ टीचर राजीव रंजन डी आंसर दे रहे हैं, इंद्रजीत यादव डी आंसर दे रहे हैं, रीचा बी आंसर दे रही है, प्रज्ञा डी आंसर दे रही है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। हाँ एक आदमी ने आंसर दिया सिनेप्स, कृष्णा नंदन रॉय, बहुत अच्छा। देखिए आप लोग देखे होंगे जितने लोग आंसर इसमें डी दे रहे हैं बाबू सब सही है, डी वाले का आंसर सही है। आप लोग न्यूरॉन कोशिका को देखे होंगे, न्यूरॉन सेल यही है बाबू, न्यूरॉन सेल यही है, ठीक है। ये पूरा पार्ट कहलाता है साइटोन, ठीक है ना, पूरा पार्ट कहलाता है साइटोन। ये न्यूक्लियस है, इस पार्ट को एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। ये यहां से रेलवे खूब क्वेश्चन पूछा, ठीक है। माइलिन शीथ किस कोशिका का अंग होता है, तो ये भी किसका होगा, न्यूरॉन का होगा। तो यहां से नोट्स ऑफ रैनबियर भी रेलवे खूब पूछा। रेलवे जो इस बार एग्जाम लिया टेक्नीशियन का और एएलपी का, ये साइंस पढ़ने का तरीका सिखा दिया कि साइंस पढ़ना कैसे है, ठीक है, किसी भी पॉइंट को छोड़ के नहीं पढ़ना है। तो देखो बाबू जहां पे दो न्यूरॉन सेल जुड़ते हैं, जैसे इसके आगे आकर के कोई सेल जुड़ेगा, तो यहां से जो सेल जुड़ेगा इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, या इसी को सिनेप्टिक क्लिप के भी नाम से जानते हैं। तो न्यूरॉन कोशिकाओं को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स। इसलिए जो लोग बी आंसर दिए होंगे उनका आंसर सही है, बी इज राइट। नवजात शिशु से यदि थाइमस ग्रंथि निकाल दिया जाए तो क्या होगा, कौन सी कोशिका का निर्माण रुक जाएगा। थाइमस ग्लैंड को थाइमस ही बोलते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम है, आंसर दीजिए आप लोग। अच्छा पुरुषोत्तम कुमार बोल रहे हैं कि बायोलॉजी का क्लास कल से स्टार्ट होगा सर। हाँ बाबू बायोलॉजी की क्लास कल से 3 PM में चलेगी, 3 से 4 PM, 3 से 4 PM बायोलॉजी की क्लास कल से शुरू होगी, 3 से 4 PM। चलिए आंसर दे रहे हैं राहुल सी, सुष्मित सी, विपुल बी, अखिलेश बी, कृष्णा आई थिंक ए। साइंस में इफ और बट का कोई जगह नहीं है बाबू, इसलिए सोचना नहीं है, जो होगा होगा। मनीष कुमार सी, मैथ टीचर राजीव रंजन भी सी दे रहे हैं, राजनी माथुर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आंसर देखो क्या होगा बाबू। अब कह रहा है कि थाइमस ग्रंथि जो होता है यह हार्ट के सामने होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट के सामने एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे थाइमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बाबू कि जो लिम्फोसाइट होते हैं, ये लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी जो होता है ये बोन मैरो में रहता है और टी जो रहता है थाइमस में रहता है, यानी टी लिम्फोसाइट कोशिका नहीं बन पाएगी अगर थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया जाए, ठीक है। और ये ग्रंथि बेवफा ग्रंथि है, 45 साल के उम्र के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ये रहती तो शायद टी लिम्फोसाइट और ज्यादा दिनों तक रहता। यदि कोई दुर्लभ आनुवांशिक रोग एक्स संलग्न प्रभावी है, एक्स संलग्न प्रभावी कहा कि इससे अफेक्टेड जो जीन है वो एक्स जीन है, तो बोल रहा है कि क्या होगा, कोई जेनेटिक्स बीमारी है बाबू जो एक्स क्रोमोजोम से फैलती है और उस बीमारी से पिता अफेक्टेड है, तो क्या होगा आंसर, क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे आप लोग हीमोफिलिया का नाम सुनते होंगे, कलर ब्लाइंडनेस का नाम सुनते होंगे, ये जेनेटिक्स बीमारी है, तो अगर इन बीमारियों से कोई पिता अफेक्टेड हो जाए तो क्या होगा। तो पिता अफेक्टेड होगा, तो आप लोगों ने आंसर बहुत लोगों ने ए दिया है, मनीष कुमार डी आंसर दिए हैं, नवीन कुमार ए आंसर दिए हैं। तो सही आंसर के लिए हम लोग सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। देखो
ये पिता है एक्स वाई, ये माता है एक्स एक्स, पिता अफेक्टेड है, ऐसे बना दिए। तो देखो एक्स एक्स मिलेगा तो पुत्री होगी, एक्स एक्स मिलेगा तो पुत्री होगी, फिर ये एक्स एक्स मिलेगा तो पुत्री होगी, तब पुत्री में एक्स क्रोमोजोम जा रहा है जो अफेक्टेड है, पुत्री 100% अफेक्टेड। लेकिन अगर पुत्र होगा तो पिता का वाई माता का एक्स, तो एक्स वाई नहीं अफेक्टेड है, फिर ये वाई ये एक्स नहीं अफेक्टेड है। डायग्राम याद रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी बन जाएगा। कोई भी बीमारी जो एक्स क्रोमोजोम से फैलती है, अनुवांशिक बीमारी है, तो उसमें पिता अफेक्टेड होगा तो पुत्रियों में यह बीमारी 100% जाएगा, और जब इस पुत्री में चला गया तो इसके आगे वाला जनरेशन में जाएगा। एक्रोमिगली रोग अधिक स्राव से उत्पन्न होता है, यह सबको पता होना चाहिए। एक्रोमिगली, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आंसर, अभी तो क्वेश्चन अच्छा बाकी है जी। कहाँ चल दिए आप लोग? आप जो बायो का बैच दे रहे हैं वो कौन से एग्जाम के लिए है? एग्जाम हम लोगों का रहेगा वही 0 से लेकर के हीरो वाला तक, ठीक है? 0 से हीरो का मतलब कि उस एग्जाम को पढ़ेंगे तो ग्रुप डी भी निकलेगा, और ये हम लोगों का लेबल जो रहेगा वो CDS, NDA, ठीक है, UPPCS, ठीक है, BPSC, यहां तक लेबल लेके जाएंगे हम, ठीक है। और इस में SSC CGL हो गया, बिहार SSC हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इससे परे है, इसलिए वो हर एग्जाम के लिए रहेगा बाबू। चलिए आंसर आप लोगों ने दिया सी सी सी, बहुत आंसर है जी। अंत में लगता है आंसर हमको सी देना पड़ेगा क्या? एक्रोमिगली, हाँ बहुत अच्छा, बी आंसर दे करके फंस गया बाबू, नहीं है आंसर, ठीक है। ACTH जो होता है एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन, अब याद आएगा कि ग्रोथ हार्मोन को मास्टर जी पढ़ाए होंगे, STH हार्मोन, सोमाइटोट्रॉपिक हार्मोन, STH हार्मोन को ही ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन हम लोगों के पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से, और यह हार्मोन अगर कम निकलेगा तो बच्चा बौना होगा, अधिक निकलेगा तो बड़ा भीम, विशाल काय। अब विशाल काय को ही बोलते हैं हम लोग एक्रोमिगली, एक्रोमिगली का मतलब क्या हुआ? विशाल काय, विशाल काय को ही बोलते हैं हम लोग अति कायता, अति कायता। तो STH के ज्यादा सेक्रेशन से बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, समय ज्यादा दे रहे हैं, 2 मिनट का, 2 मिनट। जो इसका आंसर दे दिया, साइंस उसका बहुत अच्छा है, वो भी फिजिक्स, नेट स्लो हो गया है सर, ऐसे कैसे काम चलेगा जी, 2 GB दिन भर में कैसे साफ कर दिया, फिल्म विल्म छोड़ दो अभी। मनी नायक बोल रहे हैं कि आप हीरो हो सर पढ़ाने में, चलो पढ़ाने में ही है बाकी में नहीं है। चलिए आंसर दे रहे हैं विश्वा आनंद बी आंसर, सूरज कुमार सी आंसर, ठीक है, आशुतोष सिंह सी आंसर। चलिए आंसर दो बाबू दो, इस क्वेश्चन का आंसर देख के आप भी हीरो बन जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो आंसर दिया उसको हम हीरो घोषित कर दिए, चलो इस क्वेश्चन का आंसर जो जो लोग देंगे सही हो गया तो हीरो, मेरे तरफ से उनकी फिजिक्स की पकड़ बहुत अच्छी है। चलिए अब आंसर देते हैं, बहुत इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जो लोग छोड़ दिए अभी क्लास से निकल गए किसी कारण, बस उनका बहुत कुछ छूट गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही मिल पाते हैं बाबू। चलो देखते हैं, एक कण विराम, हाँ आंसर बता देते हैं आप लोगों को, आंसर बी है, ठीक है, तो अपने आप में हीरो घोषित कर लीजिए बी वाले जितने लोग हैं, ठीक है, ये खुद की उपाधि है, हम नहीं दे रहे हैं। एक कण विराम अवस्था से, बाबू जो ही विराम से चला रेस्ट वर्ड आया, तो रेस्ट वर्ड का मतलब यू बराबर 0, समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, त्वरण का मान समान, यानी ए दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब समान है तो ये मान लिए। अब कह रहा है कि 6ठे सेकेंड में और 5वें सेकेंड में यह कण दूरी तय किया, तो बोल रहा है कि कितना वृद्धि हुआ 6ठे सेकेंड में, तो मास्टर जी ये फॉर्मूला बताए होंगे, SN बराबर U+ A/2 × 2N-1,
इनवे सेकंड में तय की गई दूरी, बताए थे ना जहां पड़े होंगे। अब देखो पांचवे सेकंड, तो S5, पांचवे सेकंड का मतलब S5, तो S5 की बात करेंगे तो U का मान 0, A का मान A/2, तो A/2 लिख दिए, 2N, तो 5 × 10 − 1 = 9, बराबर 9 A/2 पांचवे सेकंड में। तो इसी तरह से बाबू S6 निकाल लेंगे क्या, तो S6 में U का मान 0, A का मान A/2 रहेगा ही, और यहाँ पे 6 × 12 − 1 तो 11, यानी 11/2 आया आंसर 2। अब क्या करें, कितनी वृद्धि हुई, तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4.5 / 5.5, यही ना है, 9/2 का मतलब 4.5 और 11/2 का मतलब 5.5, तो आंसर 1 आया घट के, यही ना वृद्धि हुआ, कितना पर, तो 1A वृद्धि हुआ 9A/2 पर × 100, तो बाबू 200/ कितना हो जाएगा 9, तो बराबर कितना 22 समथिंग आएगा, तो इसलिए 22% आंसर होगा। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को समझे होंगे, ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है, यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए। बिल्कुल बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कृष्णानंदन कुमार यादव ने बोला बेस्ट बेस्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ देखिए फिजिक्स में, अब न्यूमेरिकल में हम क्या कर सकते हैं बाबू, न्यूमेरिकल में तो टाइम लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसे तो है नहीं, जब हम पढ़ाते थे एक जगह तो वहां बच्चे मेरा सीट ले जाकर के आंसर ही रटता था कि 2 kg की वस्तु पर 5 N का बल लगा तो आंसर इतना, आंसर इतना, ऐसे रट के जाता था। लेकिन संयोग देखो कि जितना पढ़ाए थे सेम एग्जामों में पूछा था, ये बहुत अच्छा रहा कि एग्जाम में पूछा था। चलिए बहुत लोगों ने आंसर डी दिया, डी दिया, और डी बहुत है जी, कुणाल कुमार का केवल बी है, सोनम कुमारी का सी है, कृष्णानंदन बी है। चलिए आंसर आप लोग जितना दे सकते हैं उतना दीजिए आंसर, लेकिन एक ही सही होगा, ठीक है। बाबू निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संभव ही नहीं है, पहले तो ये जितना बोर्ड पर एग्जाम्पल दिख रहा है, ओहो क्वेश्चन तो मिस प्रिंट है बाबू, बहाना बना दोगे तुम लोग कि नहीं सर यहाँ CU है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है, ये है बाबू सिंगल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा वो कम रिएक्टिव वाला को भगा देगा, ठीक है। तो अगर देखेंगे लोहा और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लोहा, तो कॉपर को भगा दिया। जस्ता और कॉपर में कौन है, तो जस्ता है, तो जस्ता ने क्या किया, कॉपर को भगा दिया। कॉपर और लेड में कौन है, तो देखते होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रहता है क्या, कॉपर रहता है, और ऊपर रहता है लेड, तो इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लेड है, तो लेड को कैसे हटा सकता है कम रिएक्टिव, नहीं हटाएगा, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत ले लिया हम आज आप लोगों का, लेकिन क्या करें क्वेश्चन ही ऐसा है। द्रव्यमान M1 के एक पिंड ए और द्रव्यमान M2 के एक पिंड बी, जिनके वेग क्रमशः V1 और V2 हैं और गतिज ऊर्जा बराबर है, तो उनके मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। हमारा सही था रतन सिंह, पूछ रहे हैं सर कहाँ है, रमांशु सर आज थोड़ा बिजी हैं, कोई बात नहीं, किसी कारणवश नहीं आ पाएगा सर, उनके जगह पे हम हैं, ठीक है। सर का क्लास हमने ले लिया आज अल्टरनेट में, सर बोले हैं कि साइंस भी चलेगा एक दिन। नूरुल आइन सी आंसर, विकास कुमार सी आंसर, सूरज कुमार ए आंसर, नवीन कुमार सी आंसर, आंसर दो बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समय लो इसमें लेकिन आंसर दो, ठीक है। पंकज कुमार बी आंसर, विश्वानंद सी आंसर, रोशन कुमार सी आंसर, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप देखते हैं आंसर डायरेक्ट बता दे बाबू, तो दो तीन लोगों को छोड़ करके बाकी किसी का सही नहीं है, ठीक है, आंसर होगा डी, कैसे होगा बता देते हैं। एक रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा का मोमेंटम के साथ, P² / 2m पढ़े हैं, ऐसा रिलेशन
गतिज ऊर्जा का एक रिलेशन है मोमेंटम के साथ पी स्क्वायर अपॉन टू एम, इस रिलेशन से ये क्वेश्चन बन जाएगा। यानी एक बार अगर हम लोग बात करें, ठीक है, के ई वन का के ई टू का तो बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं पी वन स्क्वायर बटे में टू एम वन, लिख सकते हैं पी टू स्क्वायर बटे में टू एम टू, लिख सकते हैं टू टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पी वन बाई पी टू, इसका होल स्क्वायर है यहाँ पर, तो होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वन बाई एम टू। तो जब हम लोग हटाएंगे यहां से बाबू स्क्वायर को, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा, तो इसलिए हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P2 बराबर अंडर रूट तो नहीं चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में आंसर नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको M1, इसको M1 अपॉन M2 का पावर हाफ कर देंगे। हाफ का मतलब भी रूट होता है, मास्टर जी सिखाए होंगे कि पावर हाफ का मतलब रूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जितने लोगों ने आंसर दिया डी काफी अच्छे स्टूडेंट हैं। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है गर्मी के दिनों में, जाड़ा के दिनों में, कब, बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन बाबू। 21 का आंसर आप लोगों ने दिया बी, बिल्कुल, क्योंकि बताए थे टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, गर्मी के दिन में एल का मान घटेगा तो टी का मान क्या होगा, घटेगा। तो टी घटने का मतलब ही क्या है, बढ़ना है। बहुत अच्छा, इसका आंसर तो देवे करोगी जी तुम लोग, ये आसान क्वेश्चन है तो इतना आंसर दे रहे हो। आयरन यौगिक का कौन सा हरा कशिश, हरा कशिश को बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। कौन सा फॉर्मूला सही है, जल्दी बताइए आप लोग आंसर, जल्दी आंसर। चलिए बी आंसर, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बी आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए आसान क्वेश्चन में तो महान है जी आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। FeSO4 into 7H2O को बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल। चलिए ये सब क्वेश्चन में आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, बताओ बाबू किसका एग्जाम्पल है, बताइए बताइए। चलिए भी आंसर दे रहे हो, मेरा नाम लीजिए सर प्लीज, अतुल राज आपका नाम ले लीजिए। चलिए नाम छूट जाता है बाबू किसी किसी का, उससे कोई बुरी बात नहीं है, नाम किसी ना किसी दिन आएगा ही, ठीक है। यहाँ का नाम ऐसा करो कि पूरे भारत में नाम रोशन हो, ठीक है, नाम लेने की जरूरत ना पड़े। और जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, इतना तो खराब नहीं पढ़ा रहे हैं कि लाइक नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। अतुल राज एसआई मेंस का एग्जाम है, हाँ बहुत अच्छा बाबू, एग्जाम एसआई का है, पढ़िए आप, क्वेश्चन आएंगे ही। मेरा भी नाम ले लीजिए सर विश्वा आनंद, आपका नाम बहुत बार ले रहे हैं जी, अच्छा विशा आनंद नाम है बाबू, विश्वा आनंद आपको हम बोल रहे थे, विशा आनंद नाम है आपका, आपका नाम ले लिए, ठीक है। चलिए आंसर होगा बाबू इसका कि यह जो है, देखिए एफी ने क्या किया, कॉपर को भगा दिया, अभी किसका था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है यह, ठीक है। सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका भी आंसर दीजिए बाबू, विकास निराला भी आंसर दे रहे हैं, चलिए निरुल आइन भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा, चलिए आंसर दीजिए आप लोग। चलिए अगर लग रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हम लोगों का एप्लीकेशन इडू आश्रम को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, इडू आश्रम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो बाबू आप लोगों ने पढ़ा होगा सिरका, सिरका का मतलब क्या हुआ बाबू, एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एसिड जब मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो CO2 गैस देता है, पूरा दुनिया जानता है इस बात को, कुछ नया नहीं है इसमें। सोडियम क्लोराइड विलयन का पीएच मान क्या होगा, इसका आंसर दे दो बाबू, लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला,
आंसर दे दो इसका, ये सही तो सब सही मान लेंगे हम, ठीक है। चलिए बी आंसर दे करके आपने मुझे उदास कर दिया, डी आंसर दे करके भी आप लोग गड़बड़ कर दिए। वैसे बच्चे जिन्होंने आंसर दिया है, सी नंबर, सी नंबर जो भी आंसर दिए हैं बहुत अच्छा है। कैसे हुआ सी, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे, ये आंसर देने का कोई मतलब नहीं है जिसने भी डी दिया है, ठीक है ना। क्यों होगा तो ये देखिए, HCl प्लस NaOH मिल के बनाते हैं NaCl प्लस H2O। पढ़े होंगे आप लोग रसायन विज्ञान अगर कभी, तो पढ़े होंगे कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH कास्टिक सोडा जो है यह स्ट्रॉन्ग बेस है। तो पढ़े होंगे आप लोग कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं, न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं। तो न्यूट्रल साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर? आज महासंग्राम टेस्ट होगा सर, बाबू ये महासंग्राम ही था, ठीक है। तो यही बात हुआ कि पूरा रामायण देख लिया, पूछ रहे हैं कि अच्छा ये रैपिड फायर था। ओ ए बाबू, महासंग्राम तो आज हो गया था दोपहर में ही ना, टाइम चेंज हुआ है बाबू आप लोगों का, 12 से 1:30, याद रखिए महासंग्राम का टाइम है 12 से 1:30 बजे तक, ठीक ना, 12 से 1:30 PM तक है। और अभी रैपिड फायर का टाइम था बाबू, आज सर नहीं किसी कारण बस आ पाए तो हम आए हैं, ठीक है। अल्टरनेट में हम रहेंगे, और जैसा कि हमने बताया बाबू आप लोगों से, कल बायो की क्लास शुरू हो रही है 3 बजे से, तो आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है, और बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़ें। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहिए आप लोग, सुरक्षित रहिए। कोई डाउट नहीं है ना, डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा गुड नाइट बोल रहे हैं आप लोग, चलिए आप सभी को भी गुड नाइट, लेकिन इतना जल्दी सोइएगा मत, ठीक है। पढ़िए आप लोग ज्यादा से ज्यादा, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद कृष्णा आनंद। हाँ अगर क्लास अच्छा लगा कृष्णा जी, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को, अपने मित्र को शेयर कीजिए ताकि जुड़े। विकी आंसू बोल रहे हैं कि जय हिंद सर, चलिए आप सभी को भी जय हिंद। बताना ही भूल गए कि हम लोग जिस धरती की जमी पर रहते हैं, जिस देश की जमी पर रहते हैं, उस धरती के कण कण का हम लोग ऋणी है। मुझे भी अच्छा लगा मनी नायक, चलिए सभी को अच्छा लगा बाबू। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि कल 3 बजे के क्लास में ज्वाइन करें, और टेस्ट हम लोग का अल्टरनेट शाम में मेरा रहेगा, बाकी सर का भी चल रहेगा, तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, चलिए।